अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम न्यूज के साथ मैं हूँ आयमा खान और मैं हूँ राबिया अशरफ। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस के कारोबार दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 3200 से तजावज कर गई। ईरान में 2300, अमेरिका में मुतासिर मरीजों की तादाद 125 हो गई। ईरान में मूजी कोरोना वायरस से 77, चीन में मजीद 38 अफराद जा भाग। ताफ्तान बॉर्डर के आइसोलेशन वार्ड में 2200 से ज्यादा अफराद दाखिल। पाक ईरान बॉर्डर से 12 दिन से तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तबा केसेस की तादाद 19 हो गई। किसी मरीज में वायरस की तस्दीक ना हो सकी। ईरान से चीन आने वाली अफराद आइसोलेशन वार्ड में रहे, महकमे सेहत की हिदायत। करप्शन के इल्जाम पर चेयरमैन सिंध टैक्स बोर्ड को अहदे से हटाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद आवा सुहेल पठान अहदे पर तैनात थे। सचल थाने के हदूद में हेपनाटाइज करके खातून से ज्यादती का मामला। मुलजिम के घर से तस्वीर बरामद। कराची में हेपनाटाइज करके ज्यादती के 3 केसेस रिपोर्ट। कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान को भी ना बख्शा। जिला बस्ती में 2 एकड़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान पर कब्जा की गई जमीन को महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने वागुजार करा दिया। मुल्क भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची वाले जुम्मे तक बारिश का इंतजार करें। गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से लाहौर रावलपिंडी में होने वाले PSL के मैचों के भी मुतासर होने का खदशा। PSL 5 के मेले में शरीक खिलाड़ियों की वजीर आजम से मुलाकातें। डेरन सैमी को पाकिस्तानी शहरियत मिलने पर मुबारकबाद दी गई।